बदल लीजिए जिंदगी, बहुत तो जी लिया, क्या मिला इस जिंदगी से? अंधेरों में जी रहे हो, नादानी कर रहे हो। अंधेरों में जीने वाला आदमी अंधेरों को डंडे मार रहा है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ में लाठी लेकर अंधेरे को पीट रहा है। बोलो मेरे भाई, अंधेरों को पीटने से कोई अंधेरा भागता है क्या? अंधेरों को कोसने से अंधेरा नहीं भागता है, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं भागता है। ऐसा होगा कि मारते भी रहोगे अंधेरों को, लकड़ी भी टूट जाएगी, अंधेरा भी ना मिटेगा। ध्यान रखिए, अंधेरों को मिटाने के लिए अंधेरों को डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। हजार बरसों का अंधेरा हो, हजार दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिया जला दो, हजारों वर्ष पुराना अंधेरा भाग जाया करता है। ध्यान रखिए, अंधेरों को कोसो मत, पापों को कोसो मत, एक आस्था और पुण्य का दिया जला लीजिए, अंधेरे को भागने में कोई समय नहीं लगेगा। एक दिया काफी है, एक संकल्प काफी है, एक साधना काफी है। जन्म जन्म के अंधेरे मिटा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, कब मिटाओगे? जब दो पैर की जगह, जब दो हाथ की जगह दो पैर और लग जाएंगे तब मिटाओगे। कब करोगे धर्म की यात्रा? जब दो सींग लग जाएंगे तब करोगे, और मूंछ हटकर पूंछ लग जाएगी तब करोगे धर्म? अभी करना है, इसी वक्त करना है। मानव का जन्म केवल भगवान को पूजने के लिए नहीं मिला है, भगवान बनने के लिए मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, बनना है भगवान, ऐसी पूजा करो कि पूजा करते करते हम ही पूज्य हो जाएं। जिस दिन हम पूज्य हो जाते हैं उस दिन पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया हमारी पूजा करना प्रारंभ कर दिया करती। साधना में जीवन का क्या होगा? घर जाओगे, कपड़े चेंज कर लिए, असंयम का जीवन जिया, कुछ मतलब नहीं। ध्यान रखना, या ते तो कागा भलो, भीतर बाहर एक। ऐसे मत बनना कि बाहर से बगुला, भीतर से कौवा, भीतर से मन काला। नहीं, पवित्रता आपके जीवन का उद्धार हो। कसाईयों को जीतिए, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्रोध ने कब सुख दिया है जीवन को? क्रोध ने कब आनंद दिया है जीवन को? क्रोध बेहोशी से आता है, पश्चाताप पे खत्म हो जाया करता है। क्रोध की परिणति पश्चाताप है, सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता इस क्रोध से, सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिलता है। आज संकल्प करना कि शाम तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए शांति से जीने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, आहार करिए, भोजन करिए, समय है, फ्री है, यहां आकर शांति से बैठ जाओ। इस शांति का तपोवन बना दीजिए, इसे शांति वन बना दीजिए, किसी से मत बोलिए, भगवान के सामने आकर शांत बैठे रहिए, क्योंकि शांति ही जीवन का लक्ष्य हुआ।